4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my BEd and also qualified CTET. So guys, if we talk about recapitulation, that what we have done yesterday. So आपको पता होगा कल हमने sexual reproduction पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने पूरा process पढ़ा था, like pollination क्या होता है, self pollination, cross pollination क्या होता है, then reproductive organs क्या होते हैं flowers में, male और female, और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन यस्टरडे. सो नाउ गाइस फॉर टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जहां पे हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे. लाइक आज हम करेंगे कि टीथ के बारे में हम पता करेंगे, ठीक है, देन हम टंग के बारे में पूरा पढ़ेंगे, टंग में कितने सारे हमारे टेस्ट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हम एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे. So there are so many things which we are going to cover today. Okay, आज कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे. सो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. आई होप कि यू विल एंजॉय टुडे सेशन. सो नाउ गाइस, इफ वी टॉक अबाउट दिस टेलीग्राम चैनल, सो दिस इज योर टेलीग्राम चैनल, और ये लिंक है आपका. यू हैव टू यूज दिस लिंक, एंड आप डेफिनेटली इस लिंक को यूज करके अनअकैडमी का हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है कौन से लाइव सेशंस होने वाले हैं. इफ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस सेक्शंस गाइस, आपकी काफी सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेक्शंस भी अब अवेलेबल है, सो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए. लर्न पे गाइस 6 to 8 का एवरी डे आई टेक योर सेशन एट 9 AM, और अनअकैडमी क्लास 7 पे मैं आपकी क्लास जो है 9 PM लेती हूँ, ठीक है. सो बी रेडी फॉर ऑल दीज जितने भी सेशंस बचे हुए सेशंस हैं. एंड व्हाट्स न्यू विद एन एकेडमी गाइस, अगर मेरा ये क्वेश्चन है व्हाट्स न्यू लाइक दिस, व्हाट्स न्यू, सो एन एकेडमी आस्क अ डाउट बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस हुई है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका आस्क अ डाउट में, ठीक है. जब आप ये आस्क अ डाउट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होगा, देन व्हाट एवर इज योर डाउट. आपको सपोज करो कि आपको कुछ जो भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, ठीक है, आप वो पूछ सकते हो. यू हैव टू क्रॉप इट. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्रॉप इट. जब आप उसे क्रॉप करके यू हैव टू पेस्ट इट हियर, जब आप उसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पे जहाँ ऊपर वाले पार्ट में, देन यू हैव टू पेस्ट इट हियर फॉर यू हैव टू क्लिक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर करोगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एजुकेटर्स एंड पीपल टू फाइंड इट आउट लाइक विच क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. So definitely you have to crop it and you have to paste it here. Then within 3 hours you will get the solution. So very 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 interesting and very I think beneficial for all of you. If we talk about phoenix guys, definitely if you want to gain some knowledge from top educators, then it's your turn guys. आप यहाँ पे help कर सकते हो बिल्कुल find out करने के लिए top educators. Don't forget to use my code. My code is SWEMA10. You get 10% extra discount here. So don't forget to like, subscribe. और उसके साथ साथ share तो करना ही करना है. So now I'm starting the session nutrition in animals chapter. Animals guys, I'm starting with introduction part. Like animals nutrition includes nutrient requirements, mode of intake of food and its utilization in the body. उसकी बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइजेशन है वो भी डिपेंड करता है. एनिमल न्यूट्रिशन में आपका न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इसमें शामिल होता है कि आपका क्या मोड है, ठीक है, किस तरीके से आप खाने को ले रहे हो. ईच एंड एवरी एनिमल रिक्वायर्स फूड. जितने भी एनिमल है दुनिया में, जितने भी इंसान है, जानवर है, सबको खाना चाहिए एनर्जी के लिए. For running, for walking, for jumping, for reading, not only these things, but for even for sleeping. Because जब आप सोते हो during that time also, आपका metabolic जो activities है आपके body में वो function body के अंदर चलता रहता है. So definitely I think आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जब तक आप खाना नहीं खाओगे, proper diet नहीं लोगे, जब तक आपकी body को energy नहीं मिलेगी, आप कोई भी काम proper नहीं कर पाओगे. This energy is obtained from food that they eat. तो बेसिकली वो खाना एनर्जी मिलती कहाँ से, जो वो खाना खा रहा है उससे उन्हें एनर्जी मिलती है. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी द फूड दैट दे ईट नीड टू बी डाइजेस्टेड.
अब जो भी वो खाना खा रहा है उसको डाइजेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो डाइजेस्ट होगा तभी वो एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट मतलब अलग अलग कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होना, क्योंकि आपके बॉडी में सिर्फ हेड काम नहीं करता, सिर्फ ब्रेन काम नहीं करता, सिर्फ आपका आपका ये नेक काम नहीं करता, आपकी पूरी बॉडी में फिंगर्स भी काम करते हैं, आपके हैंड्स भी काम मूव करते हैं, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। तो खाना जो है वो एनर्जी तभी देगा जब डाइजेशन होगा, बिकॉज डाइजेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डाइजेस्ट पचना खाने का बहुत जरूरी है। जब तक खाना पचेगा नहीं, जो बहुत ही बड़ा पार्टिकल है वो जब तक छोटे 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 में ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक वो खाने का ये खाने 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 सपोज करो ये पीसेस है, तो छोटे छोटे पीसेस में टूटना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ गाइस, माय नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ। आपने टीथ को पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, बिकॉज यू नो अबाउट टीथ, ठीक है। आपके टाइप्स ऑफ टीथ की बात की जाए, सो देयर आर टोटल फोर टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। सो इंसीजर्स की बात की जाए, सो आपके आगे के जो फोर ये टीथ होते हैं, दीज आर फोर सीजर शेप्ड इंसीजर्स एट द सेंटर ऑफ ईच जॉ, या सेंटर में, जो बेसिकली जब आप काटते हो, बाइट करते हो, तो बाइटिंग के लिए आपका इंसीजर्स होता है, ठीक है। देन उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट कनाइंस, कनाइंस जो होते हैं, दीज आर टू लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड इंसीजर्स। इंसीजर्स की जस्ट इस तरफ और इस तरफ जो एक एक आपका टीथ होता है, दैट इज योर कनाइंस। इट्स फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग, बेसिकली आपको ये भी बाइट करने के लिए ही होता है कनाइंस भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर प्री मोलर्स। प्री मोलर्स जो है आपके टोटल फोर होते हैं, यहाँ यहाँ, तो प्री मोलर्स का मतलब होता है दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, ठीक है। सो प्री मोलर्स जो है आपके वो बेसिकली ग्राइंड एंड च्यूइंग करने के लिए होता है, आपको ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है, ग्राइंडिंग करने के लिए बेसिकली आपका प्री मोलर होता है। और मोलर्स भी, दीज आर सिक्स, ये भी छह होते हैं, थ्री थ्री ऑन ईच साइड, दोनों साइड में थ्री 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 होते हैं, यहाँ थ्री, यहाँ थ्री, सो टोटल सिक्स जो होते हैं वो ईच जॉ में होते हैं। और मोलर्स जो है बेसिकली ये भी आपका ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, जब आप खाने को चबाते हो, ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम गाइज आपकी मोलर्स यूज होते हैं, इसीलिए जिनके मोलर्स नहीं होते इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू च्यू एंड टू ग्राइंड, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। फिर वो आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, बिकॉज उसके बिना तो वो ग्राइंड कर ही नहीं सकते। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो बेसिकली आपके फोर टाइप्स के टीथ होते हैं, जो आपके कनाइंस होते हैं, टोटल कितने होते हैं, एट, फोर एंड फोर। इंसीजर्स कितने होते हैं, टोटल फोर, टू एंड टू, ठीक है। प्री मोलर कितने होते हैं, टोटल एट, फोर एंड फोर, और मोलर कितने होते हैं, ट्वेल्व, सिक्स एंड सिक्स। अब आप काउंट कर दो, ठीक है, काउंट कर लेते हैं कि मेरा कैलकुलेशन, क्योंकि टोटल आपका 32 होना चाहिए, अगर 32 नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं मिस्टेक ही है मैंने। सो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 32। इट मीन्स कि कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आपके टोटल कनाइंस 8 होते हैं, 4 इन ईच जॉ। प्री मोलर्स आपके टोटल 8 होते हैं, 4 इन ईच जॉ। मोलर्स आपके 12 होते हैं, 6 एंड 6। इंसीजर्स आपके 4 होते हैं, 2 एंड 2। टिल हियर हैव यू अंडरस्टूड? सो ये आपका चार्ट है, आप ये चार्ट याद कर सकते हो। नंबर इन ईच जो है ये, इसको आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा तब टोटल आएगा, टोटल निकालने के लिए, क्योंकि ये ईच जॉ है, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपका ये ईच जॉ का है। सो आपका टोटल ये होगा 8 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 8, सो इट विल बिकम 32। सो 32 आपके टोटल टीथ होते हैं, 32 दांत, सुना होगा आपने, ठीक है। तो टोटल टीथ आपके हो गए 32। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? सो आई होप कि आपको टीथ जो है, टीथ का उनके बारे में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है आपको अच्छे से समझ आ गई होंगे। यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, आई होप। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो। ओके।
Thank you so much for telling that you have understood each and everything. Thank you so much. Okay. Now your next is, just come to the next topic here. Okay. Your next is, before going to next topic, you have to understand that how you can install this Unacademy Learning App. Simply, आपको Play Store पे जाना है, Unacademy Learning App को install कर लेना है. Then, आप यहाँ इस page को जब open करोगे, तो free special classes का page open होगा. ठीक है, यहाँ पे आपको free classes, plus classes, आपको जो भी choose करना है, आप category भी choose कर सकते हो. And by using that, definitely आप जाके अपने favorite educator से पढ़ सकते हो. We talk about free test series. So, definitely free test series में आप देख सकते हो यहाँ पे कि काफी ज्यादा beneficial है ये, क्योंकि आपको काफी help करता है ये practice करने के लिए. For plus subscription, guys, if we talk about the benefits, and yes, best educator are there. Interactive live classes, live tests and quizzes, and structured courses and PDFs are there. If we talk about iconic subscriptions, so whatever you are getting in plus subscription, it is included here. And other than that, you are getting a personal mentor and live doubt solutions. So many benefits you can see here. In plus subscription, you can see here for respective month, you have to pay accordingly. And it's very reasonable. It's not like that if I'm working here, then I'm promoting it. But definitely, it's a good choice for all of you. Now, if we talk about iconic subscription, guys, for respective month, you have to pay accordingly. Aur kafi zyada aap logon ke liye interesting and interesting cheeze hain yahan pe karne ko. और काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी. नाउ गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द मिल्क एंड परमानेंट टीथ, तो ये भी टाइप्स ऑफ टीथ में आता है. तो मिल्क टीथ जो होता है ह्यूमन बीइंग में, दैट टीथ बेसिकली टीथ ग्रोस ट्वाइस, टीथ जो है वो दो बार ग्रो करता है. टीथ ऑफ द सेट ऑफ द टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब जब बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जब टीथ आते हैं तो वो मिल्क टीथ होता है, क्योंकि वो दूध के दांतों ने कहते हैं. These are also called as temporary teeth. उसे temporary teeth भी कहा जाता है. These teeth get loosened and fall off at the age of 6 to 8 years. 6 से 8 साल की उम्र में वो जो दांत है आपकी, जो आपकी जिसे milk teeth, दूध के दांत कहते हैं, वो आपकी गिर जाते हैं. ठीक है, they fall off. And when milk teeth fall off, then a new set of teeth grows in their place. So उनकी जगह पे जो नए teeth का जो set है वो grow कर जाता है. ठीक है, वो आ जाते हैं. बट दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ. इसे परमानेंट टीथ कहते हैं बिकॉज आपका पूरे ओल्ड एज तक, टिल द एंड, मतलब आपकी लाइफ का जो एंड पार्ट है वहां तक आपका यही टीथ रहता है. अगर सपोज करो किसी भी एक्सीडेंटली या किसी भी वजह से अगर वो टीथ आपका गिर गया या टूट गया, सो डेफिनेटली इन दैट केस आपको उसे रिप्लेस करवाना पड़ेगा आर्टिफिशियल टीथ से, क्योंकि नेचुरल टीथ अब वापस नहीं आएगा. नेचुरल टीथ जो है वो दो ही होता है, एक बचपन में और एक उसके बाद जो रिप्लेस होता है परमानेंट टीथ से. उसके अलावा कोई भी टीथ वापस नहीं आता. आई वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ हेयर, सो वी कैन से द आउटर पार्ट इज एनिमल, जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज योर एनिमल. ठीक है, इसको एनिमल कहते हैं, जो व्हाइटिश दिख रहा है. आफ्टर दिस आप उसका इंटरनल वाला जो जस्ट उसके बाद वाली जो लेयर है दैट इज योर डेंटाइन, ये वाला पार्ट. दिस इज योर पल्प, पल्प जो अंदर वाला पार्ट है ये, दिस इज योर पल्प. और उसी में आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स पूरा आपका कभी भी देखना टीथ में दर्द होगा आपको, टीथ में कोई भी प्रॉब्लम होगी या मसूड़े में दर्द होगा या फिर किसी भी तरीके का पेन होगा या इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो है आपको हेडेक भी होता है और आपको काफी ज्यादा बॉडी में भी, बिकॉज ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स बॉडी के बाकी पार्ट से जुड़े हुए हैं. ठीक है, जो नर्व्स होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, और यही इसी को क्राउन कहते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यही क्राउन होता है. ठीक है, और ये वाला इसको रूट कहते हैं, और उसके बीच वाला पार्ट जो है दिस इज योर नेक. अब टूथ डिके की बात की जाए तो आप देख सकते हो ये जर्म्स जो बड़े खतरनाक दिख रहे हैं, इनकी तो आईज भी बहुत डरावनी है, और इन्होंने हाथ में क्या ले रखा है, त्रिशूल ले रखा है, तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है मुझे. सो अगर आप इम्प्रॉपर क्लीनिंग करोगे टीथ, अगर आप अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करोगे, बैक्टीरियाज रह जाएंगे, मिठाई स्वीट्स चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाओगे, तो ये धीरे 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 आपकी टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है. ठीक है, We can avoid it. हम इसे अवॉइड कर सकते हैं by brushing teeth twice a day. हम दिन में दो बार ब्रश करके इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं. Rinsing our mouth properly after meals. हम हर एक जो मील हम खाते हैं उसके बाद अगर हम अपने दांतों को अच्छे से वॉश करें, उससे भी हम इसको रोक सकते हैं. Avoiding uptake of sweets, dental floss. हम
स्वीट्स खाना कम कर दें या फिर ऑलमोस्ट बंद कर दें, कम कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि बंद करना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक दैट मच, या लेकिन मुझे खाना स्वीट्स पसंद है, तो बंद नहीं बट हाँ लिमिटेड है, ऐसा नहीं है खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो ठीक है। नाउ लुक एट नेक्स्ट, आप अगर देखे जाए देखा जाएगा, आप अगर आप नहीं करोगे तो आपकी टीथ जो है उसमें आपके बैक्टीरियाज आ जाएंगे जो आपके टीथ को पूरी तरीके से डैमेज कर देंगे, समझ आया? तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें अपनी टीथ को बचाना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कुछ कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, उनमें से टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है वन शुड रिंस एंड क्लीन इट्स टीथ थॉरली आफ्टर एवरी मील, हर एक खाने के बाद आपको सबसे पहले कुल्ला तो करना ही करना है, रिंस तो करना ही करना है पानी से ही, एंड देन उसके बाद ट्वाइस अ डे जो है वो अलग से आपको फिर मॉर्निंग में और बिफोर गोइंग टू बेड ठीक है, रात के टाइम पे, ये इन दोनों टाइम पे आपको अपने प्रॉपर तरीके से ब्रश करना है। वी शुड क्लीन आर टीथ विद द हेल्प ऑफ डेटन एंड ब्रश एंड टूथपेस्ट को यूज करके, टंग क्लीनर ये सब यूज करके हमें प्रॉपर तरीके से 2 बार ब्रश प्रॉपर करना चाहिए। वी शुड यूज डेंटल फ्लॉस विच इज अ स्पेशल इट्स अ थ्रेड, लोग क्या करते हैं टूथपिक, टूथपिक का जो काफी ब्रॉड होता है जब वो इस तरीके से करते हैं ना, तो उनमें होल्स जो टीथ के बीच में धीरे 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 होल्स क्रिएट हो जाता है, और जब भी आप खाना खाते हो वो अटक जाता है, जब वो वहां जाके कह सकते हैं कि जब वो अटक जाएगा वहां पे जाके तो डेफिनेटली वहां पे बैक्टीरिया फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमें एक चीज जो मेन चीज पे जिसपे ध्यान देना है दैट इज योर, कि हमें अपनी टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें टूथपिक का भी यूज अवॉइड करना चाहिए, हमें उसकी जगह पे थ्रेड थ्रेड लेना चाहिए, क्योंकि काफी अगर आपका कहीं पे भी कुछ भी खाना जो है वो कहीं अटक गया है ठीक है। सो डर्टी फिंगर्स जो है, अगर आप गंदे हैंड्स को फिंगर्स को अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट को अगर आप खा रहे हो बॉडी के अंदर ले रहे हो, सो डेफिनेटली आपको उसे अवॉइड करना चाहिए ठीक है। इन द माउथ होगा यहाँ पे ठीक है, सो माउथ में लेने से डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम्स, हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गाइस, नेक्स्ट है हम एक कैसे एक्सपेरिमेंट करें कि सलाइवा जो है सलाइवा स्टार्च पे कैसे वर्क करता है। आपको पता है कि हम काफी सारा जो फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, लाइक अगर मैं राइस की बात करूँ राइस में भी स्टार्च होता है, तो स्टार्च पे सलाइवा कैसे काम करता है, उसके लिए क्या करना है आपको, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, जस्ट टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो ठीक है। आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया, आपने बॉइल्ड राइस डाला ठीक है, बॉइल्ड राइस डाला, लेकिन एक में आपने बॉइल्ड राइस डाला और दूसरे में आपने कैसा राइस डाला, ट्वी करके, मतलब उसे यू हैव टू ट्वीट फॉर 3 to 5 मिनट्स, आपको 3 से 5 मिनट्स तक उसे ट्वी करना है, चबाना है, और चबाने के बाद इसमें आपने ट्वी वाला डाला ट्वीट राइस, और इसमें सिंपल आपने बॉइल्ड राइस डाला ठीक है, इसमें भी बॉइल्ड डाला बट इसमें बॉइल्ड ट्वीट राइस डाला। अब आप क्या करोगे, व्हाट व्हाट यू हैव टू डू, जो जिसे आपने 3 से 3 से 5 मिनट तक चबाया है ठीक है, दोनों में टेस्ट ट्यूब है, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपको आयोडीन सॉल्यूशन लेना, आयोडीन सॉल्यूशन एक केमिकल होता है, तो उस आयोडीन सॉल्यूशन को जब आप ड्रॉप वाइज ड्रॉप इन दोनों में डालोगे आप देखोगे कि इस वाले में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है जिसमें आपने ट्वीट राइस डाला है, जबकि जिसमें नॉर्मल बॉइल्ड राइस डाला है वो आपका ये जो है इट टर्न्स टू ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर में आपका चेंज हो गया, कौन सा, बॉइल्ड राइस। इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट था, क्योंकि गाइस कभी भी किसी भी चीज में स्टार्च प्रेजेंट होता है, और उसमें अगर आप आयोडीन डाल देते हो अगर वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है इसका मतलब उसमें स्टार्च है। सिमिलरली जब हम लीफ का टेस्ट करते हैं, जो प्लांट का लीफ होता है उसमें भी अगर हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम उसे बॉईल करते हैं लीफ को, देन उसे रिंस करते हैं, देन आयोडीन सॉल्यूशन का उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें डालते हैं, अगर उसका कलर लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब उसमें स्टार्च, स्टार्च का मेन स्टार्च प्रेजेंट होने का यही इंडिकेशन है कि वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाए, बट जिसमें हमने जिसे हमने ट्वी किया था उसमें कोई कलर चेंज नहीं है, नो चेंज, नो चेंज इन कलर, इसका मतलब क्या हुआ, कलर में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ
कि हमने जब उसे चबाया 3 से 5 मिनट तक, तो उसके अंदर का जो स्टार्च था ना, उसपे हमारे लार ने, जो सलाइवा था, उसने एक्ट किया और उसको सेमी डाइजेस्ट कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर फॉर्म में. इसीलिए वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो खाने में, जो राइस में हमारा स्टार्च था, उसपे सलाइवा ने क्या किया, जाके उसपे इस तरीके से एक्ट किया कि वो पूरी तरीके से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया, इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ. तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर में जो चेंज होगा उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. और जो चुई दबा चबाने वाला जो राइस है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब है कि स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है. कोई डाउट यहाँ तक, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? तो ये एक्सपेरिमेंट कर दोगे आप, कॉन्क्लूजन क्या निकला कि जो एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें चुई वाला था, जो चुई राइस था, वो उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, कलरलेस था. इसका मतलब है कि वो उसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वो चबाने की वजह से जो लार था हमारा वो उसके साथ मिक्स होके उसे डाइजेस्ट कर दिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस टंग. तो टंग क्या है, इज अ फ्लैश की मस्कुलर ऑर्गन विच इज फ्री एट इट्स फ्रंट. जो यहां से फ्रंट से आपका फ्री होता है और पीछे से बैक से अटैच होता है. इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है. इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन, सो इट मिक्सेस. इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे खाने को लार के साथ मिक्स करता है. इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड. फूड को आप टंग को बिना हिलाए हुए खाना खाने की कोशिश करो, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. रीजन, क्योंकि टंग ही हमारा खाने को मिक्स करता है सलाइवा के साथ, मिक्स करने में हेल्प करता है. सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल टॉकिंग. टॉकिंग बात करने में तो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम अगर टंग नहीं होगा तो कोई भी इंसान बात नहीं कर सकता है. टेस्ट, टेस्ट भी अगर हमें किसी भी खाने का पता चलता है वो भी टंग की वजह से, और खाने को निगलने में भी टंग हेल्प करता है. ठीक है, आप टंग को ऐसे करो और खाने को मुंह में लेके अंदर डालने की कोशिश करो, नॉट पॉसिबल. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द टंग, तो टंग में यही जो पार्ट्स होते हैं, लाइक यहाँ स्वीट, यहाँ सॉल्टी, यहाँ सार, और वहाँ एट द बैक बिटर टेस्ट. सो चार तरीके की बेसिकली टेस्ट होते हैं आपके, स्वीट, सार, सॉल्टी. सॉल्टी एंड योर बिटर. ठीक है, सो चार, ये फोर टाइप्स के टेस्ट हैं आपके, सॉरी टेस्ट है, टेस्ट टेस्ट करने के लिए चार टाइप के टेस्ट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, सो आपका स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा किस तरीके का टेस्ट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गाइस योर एसोफेगस. एसोफेगस क्या, इट्स अ फूड पाइप. फूड पाइप का दूसरा नाम आपका एसोफेगस होता है. जब आप खाना खाते हो तो एसोफेगस के थ्रू ही खाना आपका स्टमक तक जाता है. स्टमक में फिर आपके 3 तरीके के डिफरेंट टाइप्स के आपके, लाइक आपका पेप्सिन हो गया, ये आपका एंजाइम होता है, देन आपका डाइजेस्टिव जूस जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि बाकी सारे एंजाइम्स वर्क कर सके प्रॉपरली. सो एसोफेगस जो है इट्स अ फूड पाइप, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से. ठीक है, जो माउथ में जब हम कोई भी खाना लेते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर सेमी डाइजेस्ट हो जाता है, और वही सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका फिर फाइनली वो हमारा एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है, फिर फर्दर जो प्रोसेस है डाइजेशन का. क्योंकि हमारा सिर्फ माउथ में नहीं, हमारे अलग अलग पार्ट से होता हुआ डाइजेशन होता है. एक ही पार्ट में पूरी तरीके से डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता. माउथ से स्टमक में, स्टमक से देन फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कह सकते हैं इट्स अ पार्ट जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है. ठीक है, सो फूड पाइप जो है वो आपका पुश डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वेव लाइक होता है. तो उसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो उसमें आपका वेव जैसा फॉर्मेशन होता है. इस वेव जैसे फॉर्मेशन को ही कहते हैं पेरिस्टोसिस. सो पेरिस्टोसिस का मतलब होता है ये जो वेव लाइक मूवमेंट होता है. जब आप सॉलिड फूड खा रहे हो तो अगर वो थोड़ा सा एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होगा आपका फूड पाइप. तो अगर आपने कोई भी सॉलिड अगर खा लिया और आप कोशिश कर रहे हो उसको गले में, गले के अंदर बिना चबाए हुए अंदर डालने की, तो वो स्टक कर जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी.
लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है, वो फूड अगर बड़ा पार्टिकल है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, और अगर सिर्फ लिक्विड पार्ट है, सेमी लिक्विड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो वेव लाइक फॉर्म बनाता है इसको पेरिस्टोसिस कहते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोटिस मूवमेंट। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। ओके, ओके, नाउ लुक इट योर नेक्स्ट, वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। आप देख सकते हो ये पूरे बॉडी के पार्ट्स है आपका, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स है। गॉल ब्लडर हो गया, ये आपका दिस इज योर स्टमक, दिस इज योर पेनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो अगर ऐसा एग्जाम में आ सकता है आपका, ठीक है, कि आपको इसे बताना हो कि कौन सा पार्ट है। दिस इज योर गॉल ब्लडर, दिस इज योर स्टमक, ठीक है, दिस इज योर पेनक्रियाज, ठीक है, यहीं पे आपका लीवर भी, यहाँ पे ही आपका लीवर भी होता है, लीवर भी इसी पार्ट में होता है, यहीं पे गॉल ब्लैडर के पास, ठीक है। दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड वेट वेट वेट, एंड दिस इज योर रेक्टम, जहां पे जो आपका सॉलिड वेस्ट है, और दिस इज योर एनस, जो सॉलिड वेस्ट है वो यहीं स्टोर होके रहता है, यहीं पे स्टोर होता है वो, ठीक है। जो और जब भी आप पॉटी जाते हो, आपका वो वेस्ट जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट। नाउ एसोफेगस में जो भी आपका फूड च्वी करते हो, आप चबाते हो, वो एंटर करता है एसोफेगस के थ्रू और फिर स्टमक तक जाता है, ठीक है। सो यू कैन सी यह जो खाना है आपका, ये देखो कैसे माउथ से होता हुआ, देखो लुक एट ये कैसे पैसेज की तरह काम कर रहा है, और ये फूड जो है वो स्टमक तक जाता है, ठीक है। सो द च्वी फूड दैट एंटर्स द एसोफेगस फ्रॉम द माउथ, माउथ से जो च्वी फूड है, चबाया हुआ फूड है, जब वो स्टमक तक जाता है, सो उसे बोलस कहते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड, कई बार आप देखोगे खाना जो है एक्सेप्ट मतलब नहीं हो, मतलब जो आपका स्टमक है वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है। सो इन दैट केस गाइस आपको वॉमिट होता है, वो उल्टी हो जाती है, इट वॉमिटेड आउट। रीजन इसका है, फूड जो है वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, स्टमक से फिर वो माउथ में आना शुरू हो जाता है, दैट इज फ्रॉम स्टमक टू माउथ। इसको एंटी पेरिस्टोसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टोटिक मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्यों एंटी, क्या एंटी क्यों कहा? एंटी मतलब उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए एंटी यूज किया गया। तो ये आपके पूरे बॉडी बॉडी पार्ट्स में आप देख सकते हो, माउथ है, विंड पाइप है, लंग्स है, एसोफेगस है। सो ये पूरा आपका प्रॉपर वाला डायग्राम है जिसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। कोई डाउट यहां तक? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, नाउ गाइस हमारे अगर विंड पाइप की बात की जाए, दैट कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू आर लंग्स। हमारा अगर विंड पाइप की बात की जाए, जो विंड पाइप है वो क्या करता है, वो जो हम सांस लेते हैं तो वो एयर को हमारी लंग्स तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। और वो जस्ट आपका, जैसे कि ये आपका क्या है, ये अगर आपका फूड पाइप है, तो जस्ट उसके एडजेस्टेंट में, मतलब जस्ट उसके बगल में आपका कह सकते हो, आपका जो विंड पाइप है, ठीक है, जस्ट उसके 60/60 आपका विंड पाइप चलता है, ठीक है। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रॉट, थ्रॉट में एयर और जो फूड है वो कॉमन पैसेज ही आपका करते हैं। यहाँ पे विंड पाइप के, इसीलिए यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस, इसीलिए एपिग्लॉटिस होता है। लेट मी राइट इट प्रॉपरली ताकि आपका सो एपिग्लॉटिस जो है, इस इट्स अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, लाइक जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है, ऊपर से क्लोज करने का काम जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एपिग्लॉटिस का होता है। एपिग्लॉटिस उसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है। सो व्हेन वी स्वेलो फूड, जब हम खाने को स्वेलो निगलते हैं,
सो जो फ्लैप लाइक जो हमारा विंड पाइप का जो ऊपर एपिग्लॉटिस होता है वो उसे क्लोज कर देता है, अदरवाइज खाना जो है वो आपका एसोफेगस के अंदर ना जाके विंड पाइप के अंदर चला जाता है। जब विंड पाइप में चला जाएगा तो वो स्टक आपको चोक, गले को चोक या हिचकी या ये सारी चीजें जो आती है वो इसी की वजह से आती है, ठीक है। तो ये जो है, बट इफ वी लाफ और टॉक, जब हम अगर हम हंसते हैं या बात करते हैं तो विंड पाइप रिमेन्स ओपन। तो जब हम बात करते हैं या हंसते हैं तो वो विंड पाइप का जो फ्लैप लाइक जो एपिग्लॉटिस है वो ओपन ही रहता है, वो क्लोज नहीं करता उसको। इसीलिए हमें हिचकी या विंड पाइप में कभी चोक हो जाता है, जो गपी साउंड होता है, जो ये सब जो है ये बेसिकली आपका एंड कफिंग क्लियर्स द ब्लॉकेज ऑफ विंड पाइप, ठीक है। तो इसीलिए हमें खांसी जो आती है वो बेसिकली इसीलिए आती है ताकि वो उसको ब्लॉकेज को क्लियर कर दे। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, विंड पाइप जो है इसीलिए कहा जाता है, जब आप खाना खाते हो, व्हेन यू ईट समथिंग, सो अवॉइड टॉकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। हंसना या बहुत तेज तेज हंसना या बात करना, उस इन दोनों चीजों को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग दैट फेज। इसका रीजन ये है कि उस टाइम पे क्या होता है, विंड पाइप ओपन होता है, ठीक है, एपिग्लॉटिस का जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो ओपन होता है, और जिसकी वजह से यस बिल्कुल ठीक है। सो आपका दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉयड माय सेशन। नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम गाइस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड अप किया है अपने स्लाइड्स में। सो लुक एट हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? बिकॉज इट इजिली ब्रेक डाउन, क्योंकि वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है और एंड इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है एंड provides instant energy, और हमें instant energy provide करता है, ठीक है। Glucose doesn't need digestion, digestion की जरूरत, glucose में digestion की जरूरत नहीं पड़ती, directly absorb into the blood, blood में वो directly absorb हो जाता है, ठीक है, directly absorb हो जाता है food, इसीलिए हमें उसे absorb मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए glucose जो है instant energy देता है, जल्दी से घुल जाता है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन, इंस्टेंट एनर्जी ब्रेक डाउन करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ब्लड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है उसे, ठीक है, ये रीजन है। आई होप कि मैं क्वेश्चन आंसर से पहले जाने से पहले मैंने आपको बताया था, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि विंड पाइप के जस्ट एडजेसेंट आपका फूड पाइप होता है, जब आप खाना खाते हो तो अवॉइड करना चाहिए आपको, क्या करना अवॉइड करना चाहिए, हंसना लाइक दिस एंड अवॉइड टॉकिंग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, खाना अटक जाता है नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स? क्या हम लीफी वेजिटेबल्स पे सिर्फ जिंदा रह सकते हैं? एनिमल्स लाइक गाइस, फंगी, बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज लीफी वेजिटेबल्स, सो ट्रैप सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। सो वी कैन से दैट लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास कैन प्रोवाइड सफिशियंट एनर्जी टू हेल्प अस सर्वाइव। तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स और ग्रास अगर होगा, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी मतलब ग्रीन लीफी पार्ट होगा प्लांट का, हम उस पर पूरी जिंदगी सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल वी कैन सर्वाइव, हमें उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, हम बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। Now next is your name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. ऐसे carbohydrate की types बताओ that can be digested, जो ruminants digest कर सकते हैं लेकिन human नहीं। Ruminants मतलब वो जो जुगाली करते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि grass खाते हैं, which eat grass, ठीक है, जो grass खाते हैं उन्हें हम ruminants कहते हैं, जिसमें cellulose present होता है, वो हम नहीं, हम digest नहीं कर सकते। ruminants has a large sac like structure, ruminants के body में ना लार्ज sac होता है, बहुत बड़ा sac होता है, जिसमें आपका small intestine, large intestine, जो मैं आपको next जो भी आपके like tomorrow and day after tomorrow also दो और इसमें कह सकते हैं parts है, उसमें मैं आपको पूरा rumination and ruminants के बारे में पढ़ाऊंगी, जैसे cow, buffalo, ये सब ruminants होते हैं, ठीक है, जो जुगाली करते हैं, मतलब खाने को एक बार अपने माउथ में लेके बॉडी के अंदर लेके चले जाते हैं, देन फिर वापस माउथ में निकाल के एंड देन च्यूई करते हैं उसको, ठीक है। उनका जो स्टमक होता है वो हमारी तरह नहीं होता है, चैम्बर्स उसमें ज्यादा होते हैं, दैट डेफिनेटली अगर आपको देख पता करना है कितने चैम्बर्स और कितना क्या होता है, किस तरीके से डाइजेशन होता है, आपको आगे के भी दो डेफिनेटली अटेंड करने पड़ेंगे सेशंस।
नाउ नेक्स्ट इज गाइस, वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस? बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में. बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर. लीवर इज द प्लेस जहां पे बाइल जूस प्रोड्यूस होता है. विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? कौन सा फूड बेसिकली डाइजेस्ट करता है? तो वो आपका फैट को डाइजेस्ट करता है. तो याद रखना है कि बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लडर जो पार्ट है, आपने देखा भी होगा, गॉल ब्लडर आपका जो पार्ट मैंने आपको दिखाया भी था, लुक इट हियर, अगर आप देखोगे लुक इट हियर, ठीक है, ये जो गॉल ब्लडर था, ये गॉल ब्लडर यहीं पे आपका बेसिकली स्टोर्ड होता है. जो बाइल जूस है, बाइल जूस यहीं स्टोर्ड होता है और ये जो है ये डाइजेस्ट करता है फैट को. जो फैट होता है हमारे खाने में उसको डाइजेस्ट करने का काम जो है वो गॉल ब्लडर का होता है. कोई डाउट यहां तक? सो गॉल ब्लडर जो है फैट को डाइजेस्ट करता है और गॉल ब्लडर ही सॉरी बाइल जूस, बाइल जूस आपका फैट को डाइजेस्ट करता है और वो टेम्परेरी गॉल ब्लडर में स्टोर होता है, यानी परमानेंटली गॉल ब्लडर में स्टोर होता है और फिर टाइम टू टाइम वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहता है जितनी जरूरत होती है डाइजेशन के लिए. इज दिस क्लियर? सो गॉल ब्लडर में डाइजेस्ट जो जूस है, बाइल जूस, डाइजेस्टिव जूस इसे कहते हैं, वो वहां पे टेम्परेरी स्टोर होता है और वो फैट को डाइजेस्ट करता है. Is this clear? So guys, thank you so much for watching my session. Thank you so much. Love you guys. मुझे बहुत मजा आया. But आपको साथ के साथ ये भी चीज देखनी है कि you don't miss a single session here. It doesn't mean that either Seema ma'am is taking premier session or live session. आपको Seema ma'am को support करना है और उनका premier session को भी बिल्कुल भी miss नहीं है, miss out नहीं करना है. So this is my code. You can use my code to take any subscription in an academy, guys. You will get 10% extra discount also. Thank you so much for watching my session, guys. Love you, love you, love you. Take care. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye, guys. ठीक है, कल फिर मिलते हैं न्यू सेशन के साथ. एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे. काफी सारे स्टूडेंट्स का तो एग्जाम फिनिश भी हो चुका होगा और काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला होगा. कोविड वापस से बढ़ रहा है. So I have to tell you guys, don't try to avoid these kind of moments like bahar jana aana. Ghar pe hi online learning karo. Bacha hi kafi beneficial aur acha hai. So ghar pe hi aap online learning karo. Aap you know about even you I think you know about another thing like YouTube pe aap Seema Priya ke naam se search kar sakte ho. Wahan pe bhi aap aake pad sakte ho. Wahan pe bhi kafi main I think I have already started to put some videos there. So very soon I am trying my best ki main live aaun aur uske saath saath aapke maths ke bhi sessions lu. So don't forget to do it. Thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye.